आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। जोबट नगर परिषद लगातार चला रही स्वच्छता अभियान। सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत कलेक्टर के आदेश और एसडीएम देवकीनंदन सिंह के निर्देश पर जोबट नगर परिषद सीएमओ आरती खेड़ेकर द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण और पॉलिथीन अभियान के तहत आज जोबट नगर में 10 से 15 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसे लेकर जोबट नगर में नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा नगर भ्रमण कर आम जनों के घरों के सामने पड़े हुए कचरे व पॉलिथीन को लेकर भी चालानी कार्रवाई की गई। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर परिषद द्वारा जोबट नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आम जनों द्वारा न मानने पर उन्हें चालानी कार्रवाई करके स्वच्छता को लेकर समझाइश दी जा रही है, जिसे लेकर आज नगर परिषद के कर्मचारी विश्वजीत तिवारी, गज्जू बघेल, सालम सिंह, कमल शर्मा, महेंद्र सिंह परिहार और समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ वासुदेव वाणी की रिपोर्ट। नगर परिषद द्वारा आज जो चालानी कार्रवाई की जा रही है, किस संबंध में की जा रही है? ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर, साफ सफाई को लेकर अपन शहर में जाके अपने एक स्वच्छता दल बना है नगर परिषद द्वारा, जो अपन दुकानों में जाते हैं, पन्नी जब्ती करते हैं दुकान विक्रेता के, और शहर में जो दुकान के सामने अपने कचरा फैलाते हैं, जो कचरे का ढेर कर दिए, सफाई नहीं रखते, उनके अपन चालान बना रहे हैं। अच्छा, ये सर्वेक्षण अभियान जो चल रहा है, स्वच्छ का कब तक चलेगा? ये सर अपना स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का मार्च तक एंडिंग तक है, फिर उसकी डेट बढ़ भी सकती है, ऐसा कोई अभी फिक्स नहीं है। सर आपका नाम? मेरा नाम विश्वजीत तिवारी।